नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉबर डाई यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं आप सबसे पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप लेबर कार्ड यानी जॉब कार्ड को कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं और जॉब कार्ड में आपका नाम है कि नहीं लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ गूगल क्रोम ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको सर्च करना है एम नरेगा लिख कर सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आप अगर मोबाइल से कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइड मोड में कर लीजिए अपने फ़ोन को। इसके बाद एम नरेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए, जूम कर देता हूँ, पंचायत का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ग्राम पंचायत, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ देखिए सेकेंड वाले ऑप्शन में जनरेट रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपको अपना स्टेट चूज करना होगा। तो चलिए, मैं झारखंड से हूँ, झारखंड स्टेट चूज कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल जो आप जिस ईयर का देखना चाहते हैं लिस्ट में नाम, आपको लगता है कि इस बार मेरा नाम आया होगा तो उस ईयर को चूज करें, और नहीं तो आप यहाँ पर सबसे 2020-21 वाला चूज कर लें अगर नया लिस्ट देखना चाहते हैं तो। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, तो चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ब्लॉक चूज करना है, तो मैं यहाँ पर ब्लॉक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पे जॉब कार्ड या रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन में आपको 7 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसमें आपको 5वें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पंचायत के जितने भी जॉब कार्ड में जिनका भी नाम है उनका नाम का यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे नाम से यहाँ पे अपना लिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको किसी एक पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही इधर पे क्लिक करेंगे, नंबर जो दिया हुआ है JH करके, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने देखिए ये डिटेल दिखा रहा है कि इस लेबर कार्ड के व्यक्ति ने कहाँ कहाँ काम किया है, सारे चीज ठीक है, इनको कितना पेमेंट टोटल मिला है ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 8,208 रुपये इनको मिल चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपने काम देखा और अपना नाम देखा, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने जॉब कार्ड के सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है।
कौन से बैंक का आपने नाम दे रखा है, क्या सारा चीज़ आपके सामने यहाँ पे मिलता है। तो इसके बाद फिर बैक आना है, आपको जहाँ से जॉब कार्ड डाउनलोड करना है मैं उस ऑप्शन पे आपको लिए चलता हूँ। तो इसके बाद आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, यानी आप अपना डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करें। इसके बाद विलेज सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपका नाम कहाँ पे है, तो इसमें आप अपना नाम सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाता है 3 तरह का कि कौन से साइज़ में आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने जॉब कार्ड को, तो उस साइज़ को चूज करें। इसके बाद यहाँ पे प्रिंटर होना आपके पास अति आवश्यक है। इसके बाद यहाँ से आप अपने जॉब कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जॉब कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह का और भी बहुत सारे वीडियो आपके पास मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।